ओके फाइनली सो एक ट्रेड मुझे अभी मिला है, दैट इज़ अ भेल। सो यहाँ पे हम लोग जो भेल का है वो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन में बाय करने वाला हूँ, जो अभी चल रहा है आपका 2 रुपये 15 पैसे का। सो करिए ये 2 रुपये 20 पैसे का भी मैंने इसको, ये 5 पैसे जस्ट ऊपर मैं इसको बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो अभी ये 2 रुपये 20 पैसे मैंने बाय किया, ठीक है। मॉर्निंग में कुछ ट्रेड में लॉस मुझे हुआ है 18,000 का। सो मैं जस्ट ट्राई करूँगा कुछ प्रॉफिट, कुछ जस्ट कुछ लॉस मेरा कवर करने का। हालांकि अगर मॉर्निंग में आपको लॉस हो जाता है देन हमें मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, बट एक थोड़ा अच्छा ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। सो मैं ट्राई करूँगा यहाँ से कि कुछ पैसा जो रिकवर हो जाए यहाँ से। करीब ऑलमोस्ट 10,000 तक का मेरा यहाँ पर टारगेट रहेगा। अगर 8-9 हज़ार भी मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। सो अभी जस्ट मैंने ये बेल वी एच एल आपका यार आफ्टर रिजल्ट करीब ये अभी 6.71% डाउन है। ओके सो आई थिंक ये सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है, इट इज़ अ डिमांड जोन। सो मे बी इस रिएक्शन यहाँ से आना चाहिए। अभी करीब 69.50 चल रहा है एक बार। ओके सो अभी ये आपके 20 मूविंग एवरेज एवरेज के पास, अगर इसको इसको जैसे ही क्रॉस करेगा देन यहाँ मूवमेंट आना चाहिए। अभी देखते हैं वॉल्यूम, ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करता हूँ वॉल्यूम के लिए। सो यहाँ वॉल्यूम थोड़ा सा आने स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम कुछ आया हुआ 69.35 हुआ है। ओके सो ये रेजिस्टेंस जस्ट फेस कर रहा है, अभी जैसे ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस आपका देन ये आपका ऊपर जाना चाहिए। सो अभी ये इसको ब्रेक करके अभी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, एक बार देखते हैं 69.7 69.90। सो 80,000 कुछ ये लॉस मुझे मॉर्निंग से कुछ ट्रेड में हुआ है। ओके सो अभी 69.80 40-50 पैसा वहाँ से बढ़ा है। सो अभी देखते हैं कि मार्केट भी जस्ट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही चल रहा है। 8 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर है। ओके सो अभी जस्ट मूवमेंट आना इसमें स्टार्ट हुआ है 69.85। ओके सो अभी ये रेजिस्टेंस लेवल है 5 मिनट पे सुपर ट्रेंड का। अगर ये ब्रेक करेगा देन हम लोग और आगे मूवमेंट इसमें देखेंगे, बट अभी देखो रेजिस्टेंस फेस करता है या ब्रेक करता है, मे बी इसको ब्रेक करना चाहिए। सो हम लोग यहाँ से जो मॉर्निंग का हाई है हम लोग मॉर्निंग के हाई तक का वेट करेंगे। मॉर्निंग का हाई जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पर हम लोग एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। सो मॉर्निंग का हाई जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पर, और ये आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग से ये एक हाई जहाँ से ओपन हुआ एक हाई लगा है वहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो आपका ये कंसोलिडेशन हुआ, अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है देन वी कैन सी 274 लेवल, 74 तक के लेवल हम इंट्राडे में यहाँ पे देख सकते हैं। बट 74 का लेवल थोड़ा सा दूर है, मैं डेज हाई ब्रेक करने के आसपास ही एग्जिट कर दूंगा। सो ओके सो अभी वॉल्यूम के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम आया हुआ है और ये 5 मिनट का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस क्या आता है, ये 15 मिनट सुपर ट्रेंड आपका 5 मिनट का ब्रेक हुआ देन आपका 15 मिनट का आता है। 15 मिनट के आसपास भी आप देखोगे तो 15 मिनट के पास भी अभी ये चल रहा है। सो मे बी इसको भी ब्रेक करना चाहिए, अगर इसको ब्रेक कर देगा देन और लेवल ऊपर के लेवल हम लोग वहाँ पर देखेंगे। सो अभी भी जो ऑप्शंस का जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा है बिकॉज ये नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन है, 2 रुपये 40 पैसे जस्ट 20 पैसे ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। बट ये सेफ रहता है, ठीक है, अगर हम लोग सेम मंथ का लेंगे और प्राइस आपका 1 से 2 दिन भी कंसोलिडेट कर गया ऑलरेडी एक्सपायरी बहुत नज़दीक है देन आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। सो मैंने 75 का ऑप्शन बाय किया, हालांकि आउट द मनी ऑप्शन है, आउट द मनी ऑप्शन लेना नहीं चाहिए, इन द मनी ऑप्शन लेना चाहिए। बट जैसे स्टॉक का मूवमेंट पिछले पिछला टाइम जो मूवमेंट स्टॉक्स ने किया है उसके अकॉर्डिंग अगर एक मूव बनेगा तो 1 रुपये तक का मूवमेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा। 71.85 जैसे इसका 3.70 का हाई है तो 3 रुपये तक वहाँ पर जाना चाहिए इसको, और ज़्यादा नहीं। 18,000 का लॉस, ऐसा नहीं कि मैं एक ट्रेड में 18,000 का लॉस कवर कर लूँगा, जस्ट अगर मेरा आधा भी कवर होता ना देन इट्स ओके, बिकॉज मॉर्निंग में लॉस होने के बाद तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए बिकॉज ऑल लॉस होता है। लेकिन एक बार ट्राई किया वो किया है इसको और ट्रेड अपने फेवर में भी चल रहा है। 70.65 करीब जहाँ से ट्रेड लिया वहाँ से 1 रुपये ऊपर आ गया है। अभी 30 मिनट पर देखते हैं। सो अभी 30 मिनट का भी रेजिस्टेंस ऊपर अवेलेबल है। ओके सो ये सुपर ट्रेड रेजिस्टेंस मैं यूज़ करता हूँ, इसका कभी भी वीडियोस आपको मिलेगा आप देखिएगा वहाँ पे। सो बहुत बार ये सुपर ट्रेंड को अगर ब्रेक करेगा देन मूवमेंट आता है प्राइस में, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्राइस सुपर ट्रेंड को टच करके वहाँ से गिरता है। अगर ये 5 मिनट का ब्रेक कर दिया है और 15 मिनट का ब्रेक भी कर देगा देन 30 मिनट के आसपास को रेजिस्टेंस आना चाहिए सर, ठीक है। सो हमारा टारगेट जो है वो 71.85 का जो हाई है उसी हाई के आसपास अगर प्राइस आएगा देन वहाँ पर हम लोग
एग्जैक्ट कर ले एक बार देखते हैं। ओके 71, सो मे बी हाई के आसपास जाने का ट्राई कर रहा है। 75 मिनट पे भी देखेंगे तो भी सुपर टेड आपका 73 के लेवल पे है, 72 पॉइंट कुछ के लेवल पे, सो वहाँ तक एक बार ट्राई कर सकता है जाने का प्राइस। 30 मिनट पे भी देखो, 30 मिनट पे आपका 72 के लेवल पे है, सो ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ओके 75 का अब करीब 2 रुपये 55 पैसे हुआ है, गुड, तो करीब 30 पैसे का मोमेंट वहाँ से आ गया। ओके सो रेजिस्टेंस अवेलेबल है, दैट इज रीजन प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखते हैं, हालांकि 70.90 71 डेज हाई तक तो पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मार्केट चल मार्केट आपका नेगेटिव नहीं होगा तो ये डेज हाई तक पहुंच जाएगा। अल्डीज 3 रुपये तक प्रॉफिट, 3 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। ओके सो इसमें जो आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो मेरा है, हालांकि मैंने एक ही नोट लिया हुआ है, करीब 23,000 इसमें इन्वेस्ट हुआ है। 23,000 में 8-9 हज़ार मिलेगा, बुरा नहीं है, 8-9 हज़ार मिलता है यहाँ पर। तो अल्टीमेट टारगेट इसका 74 का है, बट 74 थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे, बिकॉज एक बार अगर प्राइस 6-7% गिरता है ना तो वो डेज हाई के आसपास रेजिस्टेंस ले लेता है, सो मे बी वही रेजिस्टेंस को लेना चाहिए। ओके सो अभी क्या है, 30 मिनट के सुपर ट्रेंड के पास गया और वहाँ से ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ है, मे भी थोड़ा सा मुश्किल है इसको ब्रेक करने, अगर ब्रेक करेगा देन बढ़िया सा मूवमेंट आना चाहिए इसमें, बट 80% चांस है कि ब्रेक ना करे, और अगर कर देता है देन एक बढ़िया सा मूवमेंट वहाँ से 1 से 1.5 रुपये तक का मूवमेंट वहाँ पर आना चाहिए, देखते हैं अभी। ओके सो ऑप्शंस की वैल्यू जो है वो 2.65 हो गई, करीब 45 पैसे, सो अभी अभी यहाँ पर करीब 4 से 4.5 हज़ार का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिलता है, बट थोड़ा देर और वेट करते हैं। ओके 71 डेज हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा रहेगा। ओके सो डेज हाई पे बहुत सारे स्टॉक है, प्राइमल इंडस्ट्री भी डेज हाई के आसपास चल रहा है, रियल इस्टेट, हाँ रिजल्ट है इसका, रिजल्ट की वजह से इतना कैप डाउन हुआ है स्टॉक ये, सो एक मूवमेंट बनता है यहाँ पे, एक ऊपर के साइड में यहाँ पे जाना चाहिए 71.05। अगर सेम मंथ का ऑप्शन मैंने बाय किया होता देन अभी 1 रुपये का मूवमेंट मुझे मिल जाता, बट सेम मंथ के ऑप्शन में वही प्रॉब्लम होती है, अगर थोड़ा सा भी प्राइस नीचे आ जाता तो ये जल्दी ऑप्शन का प्रीमियम गल जाता, ठीक है। सो मैंने सेम मंथ का ऑप्शन बाय नहीं किया और इंट्राडे में सेम मंथ का ऑप्शन नहीं बाय करता, तो थोड़ा सा सेफ चलेगा, प्रॉफिट कम होगा बट सेफ रहेगा हमारे लिए, सो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हालांकि 20,000 का और एक लॉट की बाएंगे तो 20,000 इन्वेस्टमेंट है, बहुत कुछ खोने को नहीं इस ट्रेड में। सेम मंथ का होता तो अभी एग्जिट मार दिया होता मैंने, आई थिंक 1 रुपये का मोमेंट सेम मंथ के ऑप्शंस में आ चुका है। ओके सो इसमें देखते हैं सर, डेज आई के आसपास जैसे ही निकलता है वैसे ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ कवर होगा लॉस आ जाएगा, कुछ कवर होगा लॉस, जो भी लॉस है मॉर्निंग का वो कुछ कवर हो जाएगा, आई थिंक 9,000-8,000-9,000 भी होता तो अच्छा रहेगा। ओके 71.25 बिकॉज अभी ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, और प्रॉब्लम इज दिस ओनली कि आपका जो RSI की वैल्यू अभी है वो 70 के ऊपर है, RSI 70 के ऊपर चला गया, सो मे भी एक थोड़ा सा डाउन आना चाहिए प्राइस को, ओनली प्रॉब्लम RSI। सो डेज हाई से बहुत दूर नहीं है, करीब 50 पैसे और चलेगा तो डेज हाई पहुंच जाएगा 71.30। एक ट्रेड और पड़ा हुआ है मेरा रिजल्ट के लिए, GMR इन्फ्रा, सो वो भी करीब आई थिंक एक कॉस्ट के आसपास ही है, सो उसका भी मैंने टारगेट दिया हुआ 1.95 का, बट 2 रुपये 2 रुपये उसका थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है मेरे लिए, इसलिए उसको एग्जिट अभी नहीं करना है। आई थिंक डेज आई पे वो चल रहा है बट अभी उसको एग्जिट नहीं करूँगा मैं, ये इंट्राडे का ट्रेड है, सो इंट्राडे में इसको एग्जिट करना चाहिए, करना होगा मुझे, और ऐसा स्टॉक है ये मगर बैन में भी जा सकता, सो अभी मोमेंट इसमें आना स्टार्ट हुआ, दैट इज़ आवर 71.45 71.40, सो मे बी ये आपका ब्रेक करने के 72.40 आई थिंक, सो ये प्रॉफिट मैंने
यहाँ पर बुक किया हुआ 2 रुपये 90 पैसे भाई, प्राइस आपके ऊपर आ गया है। ओके, जैसे इसने ब्रेक किया डिजाई, वैसे मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। और अभी जब अभी 73 पहुँच गया भाई साहब, 3 रुपये 20 पैसे का हाई लगा दिया है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बिस्किट को छोड़ देंगे यहाँ से, बिकॉज अपना जो टारगेट था वो हो गया। और 72 रुपये 90 पैसे का, 2 रुपये 90 पैसे यहाँ मैंने बुक किया हुआ है इसको। ओके, सो आई थिंक 73 का हाई 73.15, 30 मिनट सुपर ट्रेंड ब्रेक, और उसके बाद प्राइस आपका 73 का हाई लगा दिया। गुड। ओके ओके, सो इस ट्रेड में कुछ कुछ लॉस हालांकि कवर हुआ है, मॉर्निंग का 18,000 का भी करीब 10-11,000 बचा हुआ, बाकी कुछ ट्रेड और देखते अगर मिलता तो वहाँ पर इसको कवर करेंगे। बाकी भेल में गजब मूवमेंट आया है, 3 रुपये 30 पैसे चल रहा है अभी तक। नो प्रॉब्लम, जो टारगेट था अपना वो वहाँ पर अचीव हुआ। चलिए, आई होप कुछ लर्निंग आपको मिला हो इस वीडियो में। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye.